कोटपुतली में विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग जाति और वर्ग और संगठनों के लोग भी अपने अपने निर्णय ले रहे हैं। इसी क्रम में अंबेडकर विचार मंच समिति और मेघवाल विकास समिति के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक कस्बे के गोपालपुरा रोड पर मंच के संरक्षक गोकुल चंद आर्य समिति अध्यक्ष छोटूराम सामरिया की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों ने भीम आर्मी चीफ और दलित नेता चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में संगठन गठबंधन पर नाराजगी जताई है और इस गठबंधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मंच के संरक्षक आर्य और समिति अध्यक्ष सामरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव को सर्वसम्मति से समर्थन दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि वंचित, शोषित और दलित वर्ग यूपी से आने वाले नेता चंद्रशेखर का सम्मान करता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी से गठबंधन किया है जिसकी कर्मस्थली नागौर में दलित, वंचित व शोषित वर्ग के सामान्य व्यक्ति को क्या, बल्कि जनप्रतिनिधि से भी दुर्व्यवहार किया जाता है। साथ ही उनसे किसी भी प्रकार की बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बराबर में बैठाना तो दूर की बात है, घर के बाहर चबूतरे पर भी बैठने नहीं दिया जाता। चुनाव चल रहे हैं फिलहाल, कुछ लोगों की ऐसी सोच है, वो इस तरह के सोचते हैं कि भाई जो मेघवाल समाज है उसको इधर से तोड़ लेंगे उधर से तोड़ लेंगे, या नई तरह का बहाना लेकर किसी भी से इधर उधर से हमारे समाज के आदमी को टिकट दिला करके हम उनके वोट तोड़ लेंगे। मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो इस बुलावे में ना रहें, क्योंकि हम आज जो हमारे आप सारे बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, हमें पता है कि किस तरह से आदमी को डिवाइड करके और जनता को असली मुद्दों से जो भटकाया जाता है हम भटकने नहीं देंगे। हम सभी जो भी हैं हमारे समाज के व्यक्ति, हम सम्मानीय राजेंद्र जी के साथ तन्मन से साथ हैं, क्योंकि हम कांग्रेस विचारधारा के पहले से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम छोटूराम सामरिया है, वर्तमान में मैं मेघवाल विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, और ये जो हमने जो निर्णय लिया है ये सब समाज में सारे सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके लेकर के सब निर्णय लिया है, किसी एक आदमी का निर्णय नहीं है, और हमने राजेंद्र यादव को कांग्रेस प्रत्याशी है उनके पक्ष में मतदान करने का और लोगों से संपर्क करने का निर्णय लिया है हमने, और इनका बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, और ये हम बहुत जगह जाते हैं, गांव में घूमते हैं, वहाँ भी इनके पक्ष में मतदान करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमको पूर्ण है, पूर्ण आशा है कि आगे रहेंगे चुनाव में हम बहुत ही अच्छे होंगे।